आज बड़ा हमरे लिए सौभाग्य के बात बा कि अपने बाबा के तरही में ब्रह्म भोज में हमके बाबा का श्रद्धांजलि गीत के गावे का मौका मिलल। ई भाग्य के बात रहल कि कुछ दिन पहले कोरोना काल के पहले बहुत सारा कार्यक्रम बहुत फिल्म का हिस्सा हम रहल बनी दिनेश भैया के साथ मन साझा करे का मौका मिलल, यहाँ तक खेसारी भैया के साथ साझा करे का मौका मिलल, समर सिंह भैया के साथे मन साझा करे का मौका मिलल, वो भाग्य रहा। लेकिन वो सौभाग्य बा हमार, आज हमार सौभाग्य बा कि जेके हम अपने जीवन से ज्यादा अपने जीवन के अस्तित्व से ज्यादा अंतरात्मा के हृदय से सुबह शाम सुमिरिला हमारे गुरुजी, एगो गुरुजी नहीं दुटू गो गुरुजी, आज करे आशीर्वाद से कहा जा बेटा एगो कुछ गा बा, बा। हमारी सौभाग्य है कि वो भाग्य थी कि हमने सबके साथ साझा किया। और बिरहा की बात करते हैं तो बिरहा जो है सब गीतों का समावेश है, हम गीत गाते हैं थोड़ा नाच के भुलवा देते हैं, थोड़ा गिटार में हमारी गलती छूट जाती है, थोड़ा आर्गन में गलती छूट जाती है, यहाँ कोई चांस नहीं मिलता है, वन टेक ओनली वन टेक होता है, एक टेक में ही हमको जो भी है बता देना है। बिरहा कठिन विधा है, बिरहा कठिन विधा है, इसलिए हम इस मंच की सराहना जितना भी करें, हमारे गुरु विजयलाल यादव जी, हमारे गुरु सुरेंद्र यादव जी के सामने इस श्रद्धांजलि गीत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिम्मत मिले, गलती होगी तो आप क्षमा करेंगे, आप तो हमारे देवता है, भगवान से भी बढ़ के हैं। कैसे है फुफा, ध्यान देंगे आप। फिर से आइए।
जई सन कर पत्थर कमाई गुनवा उहे लोग बताई गलती होगी तो क्षमा करेंगे क्योंकि हम महीनी वाले गायक हैं। यहाँ पर एक दो कहीं कहीं कार्यक्रम में मौका मिला है तो हमने कुछ गा दिया। हाँ देखिए श्रद्धे आदरणीय हमारे फूफा जी जो हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं, हमेशा साथ देते हैं, साहस देते हैं, मुंबई तक पहुंचाने का काम हमको किए, हमारे अंदर आत्मबल इतना भर दिए कि हमने कई बंगाली फिल्मों का हिस्सा रहा, लीड रोल में भी आया। एक बार हमने जेलब कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट किया था, जिनको हम अंतरात्मा से पूछते हैं हमारे गुरु, उनको भी हमारी फिल्म में लिया जाए, हमारा सौभाग्य होगा। एक कोरोना पद्मश्री लेकर चला आया, गुरुजी को प्रोफेसर के रोल में साइन किया गया था, टोकन लेना बाकी था, तब तक कोरोना आ गया, महाकाल बन गया। स्वर्गीय गुलाम यादव हमारे छोटे बाबा और स्वर्गीय चंद्रभान यादव बड़े बाबा, संयोगवश दुर्भाग्यवश छोटे भाई परलोक को अलविदा कह के स्वर्ग में चले गए, बड़ा भाई बिलख रहा है, आंखों में आंसू लिए हुए यही विलाप कर रहे हैं, अरे जाना तो मुझे था, तुम क्यों चले गए, कभी की देखने का गौर करें। राम मंदिर लखन कैसे रही है आपके लिए, मैं नहीं रो रहा हूं, ये खानपुर की सरजमी रो रही है। दुख भरी बात दिलवा कैसे सेवा कहने
वीरेंद्र यादव निवेदक क्या नहीं किए, दोनों बुजुर्ग के लिए क्या नहीं किए, रात दिन ये किया करते थे। कभी हम रास्ते में मिलते थे तो बैठा मतलब दिन भर खाली खेती बाड़ी ये कुल कर भाग जा। नहीं, जो बुजुर्ग हैं हमारा इंतजार करते हैं। बाय क्या बात, लेकिन सबसे बड़ी दुखारी यहां से 10 कदम जाएंगे बाएं साइड में बैठी होंगी, कभी के उस शब्द को ध्यान देंगे आंखों में आंसू आ जाएगा मेरा दावा। क्या लिखती है बा उस दादी की बात मैं करने जा रहा हूं। बेटा नालायक हो जाएगा तो शायद कोई भाई होगा लायक होगा, माँ और बाप की सेवा कर सकता है, उसकी कमी नहीं खलेगी। पति तो एक ही होता है ना, अगर वो साथ नहीं है उस दर्द को दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं दिल से सोचेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए लाइन कैसी लाइन है, दादी पर भावती के आवे चंद्रभान श्री स्वर्गीय चंद्रभान यादव जी की एक लौती पुत्री, उनके लिए कवि ने क्या लिखा है गौर करें। बाबू कहते नायब के बोलनी है, राम कृपा
करे बुआ के धर्मपति इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेरे गार्जियन श्री राम कृपाल यादव जी मेरे बुआ के पति उनके बारे में कहा गया इस लाइन में मनोज भैया भी रही मेरे परम मित्र। मैंने फोन किया कि फूफा का आदेश है कि माननीय श्री विजयलाल यादव जी और सुरेंद्र यादव जी का कार्यक्रम होगा तो साउंड किसका है? जिसका साउंड बुक हो गया था उसका नाम नहीं बताया तो उसकी बदनामी हो जाएगी। किसी की भी रोजी रोटी है हमने कटवा दिया। नहीं ये गलत है, सुपरस्टार आएंगे तो सुपरस्टार ही साउंड आएगा। परम मित्र भी रहेगा मनोज रेडियो की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार भैया को बहुत बहुत प्रणाम। आइए देखें पुनः श्री राम कृपाल यादव जी के तरफ से जो कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उनके तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार कोटि-कोटि चरण स्पर्श वंदन अभिनंदन है। आठवीं लाइन में कवि का कहना है गौर दे करेंगे करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कोई नेता नहीं हूं, मैं बार बार स्पीड दूं। गीत ही तो हमारी जान है, लाइन ही तो हमारी जान है।
दुनिया तेरी है तारीख बा।